उधर जबलपुर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उत्तर मध्य के विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में दमोह नाका चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक विनय सक्सेना ने यह आरोप लगाए हैं कि जबलपुर में जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के इशारे पर विकास में सहयोग नहीं दे रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जबलपुर में लंबे समय से नगर निगम में भाजपा काबिज है, उसके बावजूद भी जबलपुर में विकास नहीं हो पा रहा है। विकास की यह अनदेखी अब कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। का जो आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ जबलपुर के विकास के लिए, जबलपुर शहर की जन जन की आवाज को भोपाल तक पहुंचाने के लिए है। चाहे वो शास्त्री ब्रिज की फ्लाईओवर का टेंडर होने के बाद रोक दिया गया हो, चाहे हनुमान ताल का 7 करोड़ का टेंडर रोका गया हो, निवाड़गंज की बंडली का 10 करोड़ का टेंडर रोका गया हो, चाहे छोटे फुहारा बड़े फुहारा का काम रोक दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो जबलपुर से दमोह रोड है जिसको तत्काल किया जाए। मेरे को पिछले महीने आश्वस्त किया गया था कि 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं घर में बैठने वालों को इसलिए सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपने मांगों को समय रहते नहीं पूरा किया तो यह आंदोलन सिर्फ आगाज है। ये आंदोलन इससे भी गहराएगा, इससे बड़े आंदोलन होंगे और मध्य प्रदेश सरकार को जब तक इस पर आज का जो आंदोलन